हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं सिर्फ एक शॉर्ट अ मिनट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको एक चीज़ का, जो आई एम डूइंग दिस एवर फर्स्ट टाइम विच इज़ नॉट देयर ऑन यूट्यूब राइट टिल नाउ। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं बनाया या किसी का कॉपी है ये वो, तो ये कुछ भी कॉपी नहीं है। देर आर एनिमेटेड शोज on YouTube, but this is I'm trying with this new thing which is live vlogs, जो regular हम vlogs करते हैं, तो वो मैं animated cartoon vlogs कर रहा हूँ। ठीक है, तो this is I'm starting new thing, so just that I wanted to tell you, so बताना मुझे किस तरह से और कैसा लगा आपको, और क्या ये मुझे continue करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Bye bye, thank you, thanks for watching RS Live Vlogs। Hi guys, welcome back to the channel। और आज का व्लॉग बनाने के लिए अब मैंने यहाँ पे चल रहा है, अरे यहाँ चल रहा है मेरे फोन, अरे आप चलो मैं इधर फोन में चालू है मेरा। वेलकम बैक टू द चैनल RS Live Vlogs। और ये मैंने चैनल का नेम चेंज कर दिया है सडनली, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा उसके अंदर नाम सही होना चाहिए था, पहले मैंने सिर्फ लाइव ब्लॉग्स रखा था, चाहे तो कुछ बाय द वे। आज हम जा रहे हैं बैंड्रा की तरफ और लेट्स सी, थोड़ा बहुत शॉपिंग करते हैं और टी शर्ट सिलता शर्ट वगैरह लेते हैं, नहीं था मतलब पहना तो है पर लेना है, और शूज़ लेना है बिकॉज मेरे शूज़ बहुत ही गंदे हो चुके हैं, जो मैंने US से लिया था उसके बाद में मैंने अब तक ऐसा लग रहा है शूज़ ही नहीं खरीदे, क्या हो चुका है उसकी लेस भी फट चुकी है। ठीक है, मैं आपको बराबर सुन, तो इसके मैं डिस्क्रिप्शन इसके लिए दे रहा हूँ कि ये यहाँ से फट चुका था, मैंने यहाँ पर ये बांधा है, यहाँ से भी फट चुका है एंड इसका ये हाल है। ये तो फिर भी ठीक है, तो मतलब इसके लिए एक लेस लेना रहेगा, इसको वॉश करना रहेगा, पर आई डोंट थिंक सो कि ये वॉश होने के बाद में भी ठीक लगेगा, बिकॉज आई विल टेल यू दिस इज़ DKNY के शूज़ थे ये, जो अब पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, बहुत ही ख़राब हाल हो चुका है। दिस वॉज अराउंड $150, जो अब मैंने इसका पूरी तरह से बैंड वगैरह, इसका सिर्फ NY बचा है, DK हट चुका है, DKNY, दिस इज़ फ्रॉम न्यू यॉर्क एंड दिस इज़ DKNY, इसका भी Y हट चुका है, DKN, वाओ, इसका ये हाल हो चुका है। या सो फाइनली वी थॉट टू शॉप अराउंड, लेट्स सी, अभी हम लोग बैठे हैं रिक्शा में और ओहो फ्लैशिंग, ये क्या ये फ्लैश ऐसे आ रहा है और मैं नहीं इधर कर रहा तो फ्लैश नहीं आ रहा है, ये आदमी तो दिख रहा है ना, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। अरे सर ये फ्लैश क्यों कर रहा है आपका, हाँ ये एकदम फ्लैश कर रहा है, ये देखो ये देखो इसमें बराबर चल रहा है ना, ये देखो इधर इसमें कैमरे में देखो, देखिए यहाँ पर से चल रहा है, इसमें आत्मा है क्या, ये देखो ऐसा अभी सही आया, हमने छोड़ दिया है वो, बिकॉज मीटर इतना फास्ट चल रहा था, तो मैंने उसे बोला कि सर आपका मीटर बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रहा है, मैं रोज़ ये रास्ते से जाता हूँ, तो ही सेड कि अरे मैं अभी बना के निकला हूँ तो ये जंप कर रहा है क्या मीटर, मैंने बोला सर जंप कर रहा है, नहीं चल रहा है, बहुत ही फास्ट चल रहा है,
तो फाइनली मैंने वो ऑटो छोड़ दिया है, अब मैं दूसरे ऑटो का वेट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। दूसरा ऑटो का वेट करते हैं। यहाँ खड़ा है, हाथ दिखा रहा हूँ, होगा कहीं शायद नहीं आना होगा, तेल लगाने गया। लगता मुझे एक प्रो कैम लेना ही पड़ेगा, इससे मेरा वीडियो बनाना और ही आसान हो जाएगा। कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ, आ जाओ। अरे 100-200 ज़्यादा ले लो, आ जाओ यार। नहीं नहीं नहीं, 100 रुपये का तो बिल ही था, वरना तो बिल। आजा भाई, नहीं रुकना है इसको भी। हाँ तो किसी को नहीं यार, इतनी बार जब कैंसिल होता है ना, उनको ऐसा लग रहा है इतनी बार मेरा बैंड्रा जाने का कैंसिल हुआ है यार। मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मेरे को बैंड्रा नहीं जाना है। तो फिर अब मैं सोच रहा हूँ मैं दूसरे मॉल में चले जाऊँ। नहीं सर, थैंक यू। तो ऑटो देख के मेरे को डर लग गया भाई, वो खुला खुला जगह चाहिए, खुला खुला जगह। ठीक है, मैंने ये भी ऑटो छोड़ दिया, ना सैनिटाइज है, नहीं कुछ है, नहीं जगह खुला रहेगा नहीं तो मेरे को जमेगा नहीं। रिक्शा में भी मेरे चॉइसेस है, सी बात ऐसी नहीं है। सर चलोगे फिनिक्स? फिनिक्स फिनिक्स हाँ बोल दिया भाई, फिनिक्स मॉल जाने का के लिए कहा था मैंने। चलो फिनिक्स मॉल, फिनिक्स मॉल, नहीं पता है, जिसको पता नहीं उसके साथ जाके मतलब नहीं है, तो फिर इसके लिए देखते हैं अभी। फिनिक्स मॉल, फाइनली मिल चुका है। फिनिक्स मॉल के रास्ते में जा रहे हैं, हाईवे से निकाल लेना, भैया तुरला तुरला मालूम है ना, बताओ रास्ता। नाले में ना, हाँ ठीक है। तो यस, ये सीन है कि फाइनली अब ऑटो मिल चुका है, दूसरा ऑटो हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स फिनिक्स मॉल। तो प्लान में चेंज हो चुका है, जो अब हम जा रहे थे बैंड्रा, अब बैंड्रा को हमने कैंसिल कर दिया है। जा रहे हाईवे पे, हाईवे से जाएंगे डायरेक्टली मॉल, फिनिक्स 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 मॉल। अभी तो फिलहाल कौन सा वाला, हाँ उतर जाऊं क्या, पता चला गैस के साथ उड़ जाऊंगा ऊपर, ऐसा हो गया तो। ओ भाई, रिक्शा में गैस खत्म हो गया था।
अरे भैया गैस खत्म होने की वजह से हम यहाँ पर रुक चुके हैं। हो हाय गाइस, मॉल के बाद में मैंने शूट करना बंद कर दिया बिकॉज द डे वेंट रियली बैड एंड अनफॉर्चुनेटली आई विल टेल यू द रीज़न इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज जो प्लानिंग हम करके चले थे घर से वो प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुई थी मॉल में जाने के बाद। सो अनफॉर्चुनेटली हमने शॉपिंग हमारा कैंसिल करा और वी जस्ट केम बैक टू द होम एंड अभी लेट्स सी कल के ऊपर रखेंगे एंड आई विल श्योरली डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे वेल, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।